वेलकम टू कॉलेज ट्यूटर। आज हम ऑडिटिंग टॉपिक ले रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑडिटिंग का मीनिंग क्या होता है। एक जनरल मीनिंग देखें तो जब भी कंपनी में या कोई भी बिजनेस में हम अकाउंट्स बनाते हैं, हमारे जो भी हम ट्रांजैक्शंस उसमें रिकॉर्ड करते हैं वो गलत ना हो, या वो गलती से हमने रिकॉर्ड कर दियो, या जानबूझ के किसी ने गलत रिकॉर्ड की हो, उन सब की चेकिंग की जाती है। तो वो मीनिंग होता है ऑडिट का। ऑडिटिंग ये एक सारा प्रोसेस है कि जब फर्स्ट हम सारा अकाउंट्स को चेक करेंगे, तो बेसिकली इसका क्या मीनिंग होगा, इंस्पेक्शन करना, या फिर हम कह सकते हैं एग्जामिनेशन। इंस्पेक्शन या फिर एग्जामिनेशन, किस चीज का एग्जामिनेशन, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, ठीक है, जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं सारी बिजनेस की, उसकी चेकिंग होती है, उसका एग्जामिनेशन किया जाता है। उसके बाद जो भी उसमें गलती है या जो भी फ्रॉड हुआ है उसका बारे में पता लग सके, इसीलिए ऑडिटिंग को ज्यादातर कंपनीज और बिजनेस यूज करते हैं। इसमें जब इंस्पेक्शन हो जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, उसके बाद फॉलो होता है बाय अ फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन यानी कि हमने ये तो देख ली कि सारी एंट्रीज सही है या नहीं, अब जो भी उस इन्वेंट्रीज की, ट्रांजैक्शंस की जो फिजिकल इन्वेंट्रीज हैं, यानी कि जो फिजिकल स्टॉक्स हैं, उनकी चेकिंग की जाती है ऑफ इन्वेंट्री। उसके बाद ये देखा जाता है, क्योंकि ऑडिटिंग करी जाती है, क्या मेन पर्पस है उसका। सबसे मेन पर्पस तो यही है कि क्या जो सारी एंट्रीज हैं वो एक्यूरेट हैं या नहीं, उसमें क्या क्या गलती है ये देखी जाती है, क्या वो फेयर तरीके से, फेयरनेस है सारी चीजें, फेयर तरीके से सब कुछ यूज किया गया है, सारे सिस्टम्स, प्रोसीजर्स, पॉलिसीज को फॉलो किया गया है कंपनीज की। तो ये एक बेसिक मीनिंग होता है ऑडिटिंग का। अब हम पढ़ रहे हैं कि ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स दो पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, एक होता है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और एक होता है सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है, इनको हम कह सकते हैं कि मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ये कोई भी बिजनेस और कंपनी के। और सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव्स वो होते हैं जो कि बनते ही इसीलिए हैं, बनाए इसलिए जाते हैं ताकि वो हेल्प कर सके हमें प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए, ठीक है, या पूरे करने के लिए। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है बिजनेस के, वो होते हैं एग्जामिनिंग द सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक। इंटरनल चेक की टर्म जो है ये हम आगे और अच्छे से पढ़ने वाले हैं, बट अभी क्विक रिवीजन, क्विक समझाने के लिए मैं ये बोलूंगी कि जब ऑडिटिंग होती है तो जो भी एम्प्लॉयज होते हैं या जो भी एंट्रीज कर रहे हैं बुक्स में, ये एग्जामिन किया जाता है कि जो वो सिस्टम फॉलो कर रहे हैं वो सही है या नहीं, या जो सिस्टम गलत है उसको सही किया जाए। उसके बाद चेक करते हैं कि एरिथमेटिकल कोई एक्यूरेसी, जैसे कि जो भी आपने एंट्रीज करी हैं उसमें कोई भी नंबर मिस ना हो, या कोई भी एंट्री गलत ना कर दी हो, जैसे 53 स्टॉक्स हैं तो 35 ना हो गए हो, ऐसी एरिथमेटिकल एक्यूरेसी को देखा जाता है। उसके बाद वो ट्रांजैक्शंस वैलिड हैं ये चेक किया जाता है, जिसमें मैंने आपको बोला फिजिकल एग्जामिनेशन, तो वहां पे चेक होता है कि ऑथेंटिसिटी है या नहीं है उस ट्रांजैक्शन की। उसके बाद अलग अलग किया जाता है, डिफरेंस बनाया जाता है जो भी कैपिटल नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस है और रेवेन्यू नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस है, उनको अलग अलग किया जाता है। देन वी हैव स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, यानी कि जो भी रिक्वायरमेंट लॉ के दौरान हुई है। लॉ कहता है कि क्या हम सारे लॉज, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो ऑब्जेक्टिव होता है कि हाँ हम फॉलो करें, सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करें। उसके बाद हमारा ये ऑब्जेक्टिव होता है एक ऑडिट का कि ट्रू एंड फेयरनेस ऑपरेटिंग रिजल्ट्स हो, जो भी हमने सारे ट्रांजैक्शंस किए हैं उसके रिजल्ट एकदम ट्रू एंड फेयर हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो हमारी इनकम स्टेटमेंट्स होती हैं, जो हमारी बैलेंस शीट है, जो हमारी फाइनेंशियल पोजिशन बताएगी, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है उनको करेक्ट होना, ताकि हम अपनी हमारी फाइनेंशियल पोजिशन को एकदम ट्रू दिखाएं हमारे शेयर होल्डर्स, हमारे क्रेडिटर्स, हमारे अदर पार्टीज को, तो वो बिजनेस की ग्रोथ के पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि हम उसको एकदम फेयर दिखें। सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव्स जो कि बनाए गए हैं प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए, उनको पूरा करने के लिए, तो तीन चीजें इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले इसमें है डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स। डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स, एरर्स तो कोई भी कर सकता है, या तो अब एरर्स की ये भी बात आती है कि हो सकता है एरर जानबूझ के किया हो, तो एरर इंटेंशनली भी हो सकता है और अनइंटेंशनली भी हो सकता है।
एरर डिटेक्ट करना और उसको फिर प्रिवेंट करना, कैसे कैसे एरर्स यूजुअली हो जाते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल यानी कि कोई प्रिंसिपल हमने फॉलो नहीं किया हो, एरर ऑफ ओमिशन अगर हम कोई एंट्री भूल गए हैं, एरर ऑफ कमीशन एंड कंपनसेटिंग एरर्स। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे एरर्स हो सकते हैं, बट हमने इसको इस पार्ट्स में डिवाइड किया जो ये यूजुअली जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं तो ये एरर्स हो जाते हैं। ये सारे एरर्स आपने अकाउंट्स में पढ़े होंगे। देन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स। अब फ्रॉड तो इसीलिए ही होता है क्योंकि किसी ना किसी का उसमें कोई ना कोई इंटरेस्ट वेस्टेड होता है, तो फ्रॉड किया ये से जाता है, यानी कि ये तो इंटेंशनली ही होता है, ठीक है, इंटेंशनली ही किया जाता है। उसके बाद अंडर और ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। हो सकता है हमने कोई स्टॉक को अंडर वैल्यूड किया हो, कोई उसकी इसकी वैल्यू ज्यादा हो, या तो उसमें उसको हमने कम में लिखा हो या फिर ओवर वैल्यूएशन यानी उसके उसकी वैल्यू को ज्यादा लिखा हो। तो ऐसे एरर्स को, ऐसे ऑब्जेक्टिव्स को डिटेक्ट करना और उसको सही रखना, ये हमारा सब्सिडियरी ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव्स के बाद अब हम कर रहे हैं टाइप्स ऑफ ऑडिट। टाइप्स ऑफ ऑडिट बहुत अलग अलग बिजनेस में अलग अलग टाइप्स के होते हैं, बहुत सारे ऑडिट्स आपको मिल सकते हैं। जो बेसिक ऑडिट्स हैं जो यूजुअली हम हर बिजनेस में देखते हैं उसके बारे में बात करते हैं। जो फर्स्ट थ्री ऑडिट्स हैं ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और यूजुअली ये हर बिजनेस में होते ही हैं। बट हाँ, ऑडिट्स फर्क पड़ता है, अगर आपका बिजनेस कुछ और है उस हिसाब से उसके नेचर पर डिपेंड करता है। सबसे पहला होता है इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट मतलब जो भी हमारे एम्प्लॉयज हैं उस बिजनेस उस कंपनी में वही ऑडिट करते हैं, यानी कि जो भी ऑडिटर होगा वो एक एम्प्लॉय होगा उस कंपनी का। एक्सटर्नल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट की समझ आ रहा है कि कंपनी से जो एक्सटर्नल होगा यानी कि जो सीए अपॉइंट होते हैं और जो भी थर्ड पार्टी होगी यहाँ पर जो कि उस कंपनी या बिजनेस की एम्प्लॉय नहीं होगी वो करते हैं हमारे एक्सटर्नल ऑडिट, ठीक है। देन वी हैव इंटरनल रेवेन्यू सर्विस ऑडिट, या हम इसको बोल सकते हैं IRS टैक्स ऑडिट्स। IRS टैक्स ऑडिट्स बेसिकली ये देखते हैं कि जो भी बिजनेस है जो भी कंपनी है वो एक ऑडिटर आता है और वो उस कंपनी को बताता है कि आपकी क्या क्या टैक्स लाइबिलिटीज हैं, उन टैक्स को आपको कैसे देना है, जो भी टैक्स ऑडिट्स होते हैं वो करके कंपनी को बताता है। देन वी हैव फाइनेंशियल ऑडिट। फाइनेंशियल ऑडिट बेसिकली क्या करता है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होती हैं बिजनेस की उनकी एक्यूरेसी को एनालिस करता है, उनकी एक्यूरेसी को चेक करता है कि जो भी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है वो सारी करेक्ट हो, उनको चेक करता है, उनको इंस्पेक्ट करता है। देन वी हैव ऑपरेशनल ऑडिट्स। ऑपरेशनल ऑडिट्स मतलब कि कैसे हमारा बिजनेस ऑपरेट कर रहा है, कैसे हमारी कंपनी ऑपरेशंस कर रही है, जो भी वो सब करेक्ट जा रहे हैं, क्या करेक्ट फॉलो हो रहे हैं वो चेक किया जाता है। ऑपरेशन मतलब ऑपरेट, जो भी ऑपरेशंस आप कर रहे हो, काम कर रहे हो। यहाँ पर ज्यादातर जो ऑपरेशनल ऑडिट्स होते हैं वैसे तो वो दोनों हो सकते हैं, या तो वो इंटरनल ऑडिट भी कोई कर सकता है, एक्सटर्नल ऑडिटर भी आ सकता है, लेकिन ज्यादातर इंटरनल ऑडिट होते हैं, तो इट इज सिमिलर टू इंटरनल ऑडिट, ठीक है। देन वी हैव कंप्लायंस ऑडिट्स। कंप्लायंस मतलब कि जैसे हमारे एक सेट स्टैंडर्ड हैं, एक सेट स्टैंडर्ड्स रूल्स हैं, पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर्स हैं, लॉ कुछ कह रहा है और हमारे बिजनेस पॉलिसीज जो हैं वो दोनों बिल्कुल कंप्लायंस मैच होने चाहिए। हमें जो भी इंटरनल और एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स हैं उस हिसाब से बिजनेस की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होनी चाहिए और हम वैसे ही फॉलो कर रहे हों, ये ऑडिटर कंप्लायंस ऑडिट्स में चेक करता है। देन वी हैव इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट्स। इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट्स जो है वो ज्यादातर सॉफ्टवेयर और IT कंपनीज यूज करते हैं। वो बिजनेसेस जो ज्यादा कंप्यूटर से रिलेटेड हैं वो इस इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट्स को यूज करते हैं। यहाँ पर जो भी इश्यूज कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड होते हैं वो वाले इश्यूज को देखा जाता है और इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर आकर सारी कंप्यूटर की जो भी इश्यूज हैं उससे डिटेक्ट करता है और सॉल्व करता है। देन वी हैव पे ऑडिट्स। पे ऑडिट्स में जो जो एम्प्लॉयज को अगर कोई भी दिक्कत आ रही है और उनको पे सही से नहीं मिल रही है वो ऑडिटर उस चीज को चेक करता है कि सारे एम्प्लॉयज को फेयर ट्रीटमेंट के साथ पे मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ ऑडिट्स। आई होप आपको ऑडिटिंग का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, टाइप्स सब समझ आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू कॉलेज ट्यूटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। We'll be right back.
Bye.